अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 की तमाम एक्सप्लेनेशन कवर की, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की। अब आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ होम्योस्टेसिस। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन, होम्योस्टेसिस देखेंगे प्लांट्स में, मैन में, एनिमल्स में, और इस चैप्टर में जो सिस्टम हम कवर करेंगे वो है यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन देखेंगे किडनी की, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, फिर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, इसके अलावा लास्ट में कुछ डिसऑर्डर्स हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट, दैट इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का, उसको मेंटेन करके रखा जा सके, उसमें एक बैलेंस रखा जाए ताकि उसमें कोई चेंज ना आ जाए। अगर इन्वायरमेंट में चेंज आया इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट में, तो क्या हो सकता है कि जो हमारे मेटाबॉलिज्म्स हैं उससे वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से सारा बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर ये एक बैलेंस बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है बॉडी का, उसमें एक बैलेंस रखना, उसको मेनटेन करके रखना एक लिमिट में। अब ये तमाम बातें आगे क्लियर होंगी जब हम इसको बुक से पढ़ेंगे। सो नाउ इंट्रोडक्शन। द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड एज इंटरनल इन्वायरमेंट। जो भी उसका इंटरनल कंडीशन है बॉडी का, उसे हम क्या कहेंगे? उसका इंटरनल इन्वायरमेंट, जिसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं, वाटर क्वान्टिटी है, डिफरेंट सॉल्यूट्स की कंसनट्रेशन है, इसमें क्या हो सकता है, कुछ आयंस की कॉन्सनट्रेशन हो सकती है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, इसके अलावा जो अमाइनो एसिड कॉन्सनट्रेशन है, ग्लूकोज कॉन्सनट्रेशन, ये सारी चीज़ें सॉल्यूट बना रही हैं, इसके अलावा टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें मिलकर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरनल इन्वायरमेंट बनाती है। तो क्यों ज़रूरी है कि जो हमारा ये इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें एक बैलेंस रखा जाए? क्योंकि जो हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं वो एक स्पेसिफिक कंडीशन पर ही हो सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो इसीलिए ज़रूरी है, मेटाबॉलिज्म सही तरीके से होने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें एक बैलेंस रखा जाए, तभी मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से हो सकेगा। सो होम्योस्टेसिस क्या है? बेसिकली इज़ अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म विच मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन सुइटेबल लिमिट। वो तमाम मेटाबॉलिक फंक्शंस, वो तमाम मेटाबॉलिज्म जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल इन्वायरमेंट, उसको मेंटेन करके रखती है एक सुइटेबल लिमिट में। अब ये क्यों ज़रूरी है कि इसको एक लिमिट में रखा जाए? क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म है वो उससे इफ़ेक्ट हो सकता है, फिर उसके बाद बॉडी के तमाम फंक्शंस उससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अब हमारा जो मेटाबॉलिज्म इससे इफ़ेक्ट हो रहा है, वो क्यों इससे इफ़ेक्ट हो रहा है मेटाबॉलिज्म? क्योंकि जो हमारे एंजाइम्स हैं वो ज़रूरी है मेटाबॉलिज्म के लिए। हर एक फंक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम है, जैसे कि हमने डाइजेशन में पढ़ा था। इसके अलावा और भी से जो भी रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहे हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम है। तो हमने ये क्लास 9 में एंजाइम के चैप्टर में पढ़ा था कि जो एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही फंक्शनल होते हैं। तो अगर हमारी बॉडी के ये तमाम चीज़ें चेंज हो जाए तो एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इफ़ेक्ट होगा। तो बेसिकली ये ज़रूरी है प्रॉपर एंजाइम फंक्शन के लिए कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखा जाए। यहाँ पर आगे वही बातें बताई हुई हैं कि क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जो टेम्परेचर है हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, वो तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है, लेकिन जो एंजाइम्स हैं वो वर्क करते हैं विद इन अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर, जिसकी वजह से ज़रूरी है कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है बॉडी का, उसको एक रेंज में स्पेसिफिक, उसमें एक बैलेंस रखा जाए ताकि एंजाइम प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके और मेटाबॉलिज्म भी प्रॉपर तरीके से हो सके। ऑर्गेनिज्म मेंटेन इंटरनल कंडीशन बाय फीडबैक मैकेनिज्म। अब जो ये इंटरनल इन्वायरमेंट हमारा मेंटेन हो रहा है, ये किस तरह हो रहा है? बाय फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, हम इसको समझते हैं। तो हमारी बॉडी मेंटेन करती है होम्योस्टेसिस को बाय फीडबैक मैकेनिज्म। हमारी बॉडी में जो भी होम्योस्टेसिस मेंटेन हो रहा है, कैसे हो रहा है? फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? बेसिकली एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है। हमारी बॉडी में अगर कोई भी चेंज आएगा तो वो फौरन डिटेक्ट होगा और हमारी बॉडी में कुछ मैकेनिज्म स्टार्ट होंगे जो कि उस चेंज को दोबारा से नॉर्मल कंडीशन पर लाएंगे। तो बेसिकली जो फीडबैक है, फीडबैक का मतलब क्या है? बेसिकली रिस्पॉन्स या मैसेज। तो जैसे ही कोई भी चेंज हमारी बॉडी में होगा, फौरन से वो डिटेक्ट होगा
और जिसके करेक्टिव मैकेनिज़म्स हैं वो स्टार्ट होंगे और हमारी बॉडी दोबारा से नॉर्मल कंडीशन पर आएगी। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल दी हुई है टेम्परेचर की, ये एक नॉर्मल पॉइंट है, सेट पॉइंट है, जो कि हमारी बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर है, सेट है, एक रेंज है उसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर है तो वो नॉर्मल है। हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म उस टेम्परेचर पर हो सकते हैं, अगर उससे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया या फिर डिक्रीज़ हो गया तो फिर मेटाबॉलिज्म इफ़ेक्ट होगा। तो ज़रूरी है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको फ़ौरन से नॉर्मल किया जाए, सही है। तो अब क्या होगा, ये फ़ौरन से डिटेक्ट होगा, रिसेप्टर्स इसको डिटेक्ट करेंगे कि भाई बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है नॉर्मल से या फिर डिक्रीज़ हो रहा है नॉर्मल से। ये पूरा फीडबैक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू बॉडी दोबारा से नॉर्मल कंडीशन पर आएगी, ठीक है। तो ये रिसेप्टर ने क्या किया, डिटेक्ट किया कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है नॉर्मल कंडीशन से। रिसेप्टर का काम ही होता है बेसिकली जो स्टिमुलस है या फिर कोई भी चेंज हो रहा है उसको डिटेक्ट करना। जैसे हमारी बॉडी पे थर्मो रिसेप्टर्स हैं जो कि टेम्परेचर डिटेक्ट करते हैं, बॉडी पर पेन रिसेप्टर्स हैं जो कि पेन डिटेक्ट करते हैं, इसके अलावा हमारे टंग पर कुछ टेस्ट रिसेप्टर्स हैं। इस तरह से डिफरेंट रिसेप्टर्स जो हमारे बॉडी पे प्रेजेंट हैं, तो उनका काम क्या होता है, चेंज को डिटेक्ट करना या कोई भी स्टिमुलस है उसको डिटेक्ट करना। इनका काम बस इतना सा है, उसके बाद इसका क्या काम है कि ये उस चेंज को डिटेक्ट करके उस स्टिमुलस को, उस इंफॉर्मेशन को आगे हायर सेंटर तक पहुँचाते हैं। हाइयर सेंटर्स का मतलब क्या है, वो जगह जिसने उस चीज़ को कंट्रोल किया हुआ है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर को डिटेक्ट किया है रिसेप्टर्स ने, चेंज आया है टेम्परेचर का जिसको डिटेक्ट किया है रिसेप्टर्स ने, अब ये क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर पर वो इंफॉर्मेशन भेज देगा। कंट्रोल सेंटर क्या है, बेसिकली वो पार्ट जिसने हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, उसको कंट्रोल किया हुआ है, जो कि क्या है, हाइपोथैलेमस है हमारे ब्रेन का। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, स्पेसिफिक पार्ट्स ने एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंट्रोल किया हुआ है। तो ब्रेन का पार्ट है, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा, हाइपोथैलेमस जिसने रेस्पिरेशन को कंट्रोल किया हुआ है, उसी ने किसको कंट्रोल किया हुआ है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को। तो ये इंफॉर्मेशन रिसेप्टर्स डिटेक्ट होगी और कहाँ जाएगी, ब्रेन में, कंट्रोल सेंटर में, जिसने हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल किया हुआ है। अब इसने क्या करना है, फ़ौरन से करेक्टिव मैकेनिज्म स्टार्ट करना है, इसने आगे इन्फॉर्मेशन देना है कि जो भी करेक्टिव मैकेनिज्म है। करेक्टिव मैकेनिज्म क्या है, अगर बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो फ़ौरन से वैसे मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाए जो कि बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल पॉइंट पर और सेट पॉइंट पर ले आए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था तो ऐसे मैकेनिज्म स्टार्ट होंगे जो कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर उसको कम कर सकें। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा था तो ऐसे मैकेनिज्म स्टार्ट होंगे जो कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सकें और दोबारा से उसको नॉर्मल कंडीशन पर ला सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कम हो रहा है टेम्परेचर तो कौन सा मैकेनिज्म स्टार्ट होंगे, शिवरिंग मैकेनिज्म, जिससे हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करेगी और फिर जो हेयर प्रेजेंट है हमारी बॉडी सरफेस पे उनकी इरेक्शन होगी। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर हमारे बॉडी क्या करेगी, स्वेटिंग स्टार्ट करेगी। तो ये सारे वो करेक्टिव मैकेनिज्म हैं जो कि टेम्परेचर को नॉर्मल कंडीशन पर लाएंगे। तो बेसिकली जो सारा रिस्पॉन्स का एक लूप बना हुआ है, मैसेज सारे कन्वे हो रहे हैं, ये सारे क्या हैं, फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि हमारी बॉडी में चेंज आया था उसको दोबारा से नॉर्मल कंडीशन पर ला रहे हैं। ये पूरे मैकेनिज्म क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म।